हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि किस तरह से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन अचीव कर सकते हैं कि हमारा जो हर बार लिंक पे क्लिक करें तो वो लोड ना हो, सिंगल पेज में हो, सिर्फ कंपोनेंट ही लोड हो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास कितने लिंक हैं? चार लिंक हैं यहाँ पे। तो क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे पास चार लिंक यहाँ पे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करते रेड रेड हो रहा है ना, ये तो उस तरह से ही रेड नहीं रह रहा है। ठीक है, मैंने क्लिक किया होम पे तो होम हाईलाइट हो जाना चाहिए ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने होम का कंटेंट मेरा हुआ है इस तरह से। तो उसे कैसे करेंगे इसमें? तो उसके लिए मुझे एक कंपोनेंट यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम में मिलता है, वो होता है नेव लिंक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिंक की जगह नेव लिंक यूज कर देंगे। अभी मैं दो ही पे लगा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, इसमें डिफरेंस भी मुझे समझाना है लिंक और नेव लिंक। ये लग गया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से यूज हो गया। अब मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मिलता है स्टाइल इस तरह से, और इसमें मैं एक एरो फंक्शन यूज कर लूंगा इस तरह से, और इसमें मैं रिटर्न करना पड़ेगा मुझे इस पे जो भी, अगर मुझे सीएसएस लगानी है वो रिटर्न करनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर मिलता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में मिलता है, ठीक है, इज एक्टिव। तो उस इज एक्टिव के बेस पे मैं यहाँ पे कलर सेट करूंगा। जैसे ही मेरा सेलेक्ट होगा तो यहाँ पे कलर, तो इज एक्टिव, अगर इज एक्टिव ट्रू है तो यहाँ पे मुझे कलर मिलेगा रेड, अगर अदरवाइज में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, तो ये जिस जिस पे नेव लिंक होगा उन उन पे मुझे लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लगा दिया मैंने। आप और भी स्टाइल कुछ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर या कुछ भी। ठीक है, ये देखिए होम हो गया। अब मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया, अबाउट अस सेलेक्ट हो गया, होम पे किया होम सेलेक्ट हो गया, सिर्फ होम और अबाउट अस पे मैंने लगाया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे कर रहा हूँ तो कॉन्टेक्ट देखिए मेरा नहीं हो रहा है सेलेक्ट। ठीक, अबाउट पे कर रहा हूँ, अबाउट हो रहा है, होम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगाया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मेरा नेव लिंक हो गया, लिंक हो गया, फिर लिंक का यूज क्या है? लिंक का यूज वहां पे है जहां पे हमें डेटा स्टेट में भेजना है। डेटा स्टेट में मान लीजिए मेरा कोई बैक बटन है, बैक बटन पे मुझे सिर्फ एक ही बटन है, वहां पे टॉगल का कुछ नहीं करना है मुझको। ठीक है, टॉगल का कुछ नहीं करना है, तो वहां पे मैं कर सकता हूँ इसका यूज। वहां पे मुझे नेव लिंक की कोई जरूरत नहीं है, कोई डेटा भी, कोई स्टेटस भी भेजना है वो भी भेज सकता हूँ, तो लिंक का यूज। और जहां भी हमें हाईलाइट करने की जरूरत है, जहां भी हमारे टॉगल आ रहे हैं, कई सारे लिंक आ रहे हैं, वहां पे नेव लिंक का हम यूज करेंगे। तो आई होप आपको दोनों कंपोनेंट लिंक एंड नेव लिंक दोनों समझ में आ गए हैं। और अगर अब भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर।